हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर क्लास 8th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। तो देखिए, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। एक्सरसाइज 7.1 से शुरुआत करेंगे और मैं आपको साथ साथ ही इसके कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो पहले तो समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। तो देखिए, परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जिनके तीन तीन के पेयर बन जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ 216, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर कैसे करेंगे? तो फैक्टर के लिए हम जो हमने पहले मेथड सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम उसी मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो, 216 हमने लिखा, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा प्राइम 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करें, देखो लास्ट में 6 है, यानी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कर देते हैं इसको 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा जी, 108। जैसे 2 1 2 उतारेंगे 1, तो 2 से तो छोटा है 1, तो ना जाने के लगाएंगे 0, और 6 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप ना इसको एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो 108 आएगा। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 4 है जो कि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, अब 27, तो 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 9 27, बचा 9, फिर से 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 3 9, और 3 1 3। अब देखिए, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हमें सिंपल सी बात है, हम इसके तीन तीन के पेयर बनाने हैं आपको, हम इसके तीन तीन के पेयर बना लेते हैं। तो देखो, एक तो पेयर बन गया हमारा ये, ठीक है, 3 बार 2 है तो एक पेयर हमारा ये बन गया, 3 बार 3 है तो एक पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसका आंसर तो आ जाएगा भाई, ये है परफेक्ट क्यूब, ये है। अब अगर क्वेश्चन पूछे किसका क्यूब है, तो देखो, एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्यूब है ये, यानी कि 2 × 3, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6, और इसका ही क्यूब आएगा। क्यूब देखो, इसके पावर ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 लिख दिया ना, इसका मतलब इसका क्यूब है, तो 2 3 6, 6 का क्यूब है ये, ठीक है। इस तरह से आंसर तो आ गया इसका यस, और हमने बता भी दिया कि 6 का क्यूब है। अब देखते हैं 128 किसी का क्यूब है या नहीं, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे 128, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 6 12, 2 4 8, लास्ट में जब जब प्राइम नंबर रहेगा यानी 2 के टेबल में वो आएगा ही आएगा, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 32 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 16 32, फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 8, फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 4, और लास्ट में 2 1 2। अब देखो, यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, यानी तीन तीन के, एक पेयर बन गया 3 का ये, एक पेयर बन गया ये, यहाँ पे ये पेयर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड रह गया, तो इसका आंसर आ गया नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हमने लिख दिया नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ तीन तीन के जोड़े बना लिए, तीन तीन के पेयर बना लिए, ठीक है। इसके फैक्टर करें, तीन तीन के पेयर बना ले, तो इसमें पेयर नहीं बन रहा, ये 2 अनपेयर्ड रह रहा है, तो इसका आंसर आ गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब देखिए, यहाँ अगर 1000 को देखें तो 1000 परफेक्ट क्यूब है, यानी ये तो बहुत आसान है। देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कर लो, अगर जीरोस में हमारे तीन तीन के पेयर बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो नहीं है। अब जैसे यहाँ तो 3 0 बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, या फिर इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक है। यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया, हम ये भी चेक कर सकते हैं किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके, तीन बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है। तो देखो, 1000 बन रहा है 10 × 10 × 10, ठीक है, तो ये 10 का क्यूब है, तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 100, अगर 100 को देखें, यहाँ पे जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था, तो 100 को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 100 के फैक्टर हो सकते हैं 10 × 10। जीरो वालों में सबसे आसान रहता है कि 2 0 हैं तो ये परफेक्ट क्यूब तो होगा नहीं, क्यों, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब के लिए 3 0 हो, 6 0 हो, 9 0 हो, इस तरह का परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अब यहाँ तो 2 0 आ रहे हैं, यानी 10 × 10 मिलकर 100 बनना है, तो इसका आंसर आ गया नो, क्या आ गया, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका 4 6 5 6, तो इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो देखिए लिख लेते हैं 4 6 6 5 6। तो देखिए, इसके वंस प्लेस पर है 6, यानी कि एक इवन नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड कर देते हैं 2 से,
देखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब फिर से लास्ट में 8 है तो ये पूरा नंबर फिर से 2 से डिविजल है तो डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2, बचेगा 1 1 और 3 13, 2 6 जा 12, बचेगा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिविजल है क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 5 जा 10, बचेगा 1 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 के टेबल में आ जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो तो आप डिवाइड करके भी आप ये चेक कर सकते हैं, जब आप 2 4 बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा 1 1 और 1 11, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। अब ये फिर से 2 के टेबल में आ जाएगा, फिर से कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब लास्ट में आया देखिए 9, अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं 3 से, ठीक है, 3 से इसको चेक करेंगे। देखो 3 के टेबल में आ जाएगा। मैं कैसे कह सकता हूँ, इन तीनों डिजिट का सम कर लो, जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, और वो डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आ गया तो वो नंबर भी पूरा 3 के टेबल में आ जाएगा। देखो करते हैं, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, अब 18 तो 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। करते हैं, 3 2 जा 6, बचेगा 1 1 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा। क्यों, देखो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, यानी इन सब का सम अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब लास्ट में हमारा 3 1 जा 3, ठीक है। ठीक है, देखिए बहुत लंबा आया ये, लेकिन आ गया फैक्टर इसके सारे। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो एक तो हमारा 2 का पेयर बन गया 3 में, एक हमारा फिर से 2 का पेयर बन गया, 3 3 के जोड़े हमें बनाने हैं, फिर से यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, और फिर से हमारा 3 का पेयर बन गया। यानी अगर हम लिखें इसको 4 6 5 6, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखिए ये आ गया हमारा, पहले तो 2 का क्यूब है, फिर से 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर से 3 का क्यूब है। आप क्या कर सकते हैं, आप इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये 36 का क्यूब है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये हमने पूरा क्यूब निकाल दिया किसका क्यूब है, ठीक है। आंसर तो इसका पहले हमने निकाल लिया था क्योंकि ये फैक्टर आ गए थे, तो आंसर तो इसका आ गया था हमारा यस, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये इस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।